एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते, वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा नहीं, फूल फूल बरसा, अच्छा बरसा, फूल बरसा के मारूंगा। और अब मैं ये तो ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लव्स की बहस में मत जाइए, रूल्स को प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे फिर बिल आता है स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। सर डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अनपार्लियामेंट्री देखिए आज के जमाने में होता क्या है कि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया और माशाल्लाह से एएनआई उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जैसा कि हमारा करते हैं, रिपब्लिक करती है, एबीपी करता है, हमारे जी टीवी प्रसाद साहब करते हैं, आप लोग माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, लाइव टेलीकास्ट चला गया। अब बाद में एक्सपंज, अरे एक्सपंज के माने क्या है? इसीलिए करो, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। आप बताइए अब पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रहा है भाई? मानसून सेशन 18 तारीख से 12 अगस्त तक क्या होगा भाई? उसमें क्या 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 बहस कर पाएंगे हम? जब साल शुरू होगा तो आप एक साल आप सारे देश में ज्ञान बांट रहे हैं, इतनी मोटी किताब छापे आप नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपको अपनी नौकरी का डर है। बोलेंगे प्रधानमंत्री सामने स्पीकर पीछे अनपार्लियामेंट्री, तो नौकरी चली जाएगी आपकी। चलिए।